सिक्स सिग्मा फिल्म्स लेकर आया है आपके मनोरंजन के लिए नई हिंदी कहानियों का पॉडकास्ट। मैं हूं सुधीर, आपका कथावाचक। आज मैं आपको सुनाऊंगा लापता मीनाक्षी का रहस्य। मीनाक्षी सिसोदिया 12 साल पहले अपने 22वें जन्मदिन की रात गायब हो गई। उसके अपने जन्मदिन के कोई बड़े प्लान्स नहीं थे, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि वो उस दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थी। वो ट्यूशन्स के लिए गई थी और फिर अपने छोटे भाई अरविंद के साथ मूवी देखने के लिए घर आई। अरविंद उसके बर्थडे के लिए उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था और उसके साथ रात तक जागने का प्लान बना रहा था, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी आंख लग गई। जब रात के बीच उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि मीनाक्षी की कार की हेडलाइट्स उसकी खिड़की के बाहर से चमक रही थी और उसके देखते देखते वो हेडलाइट्स दूर जाती गई। उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि ये आखिरी बार था जब वो मीनाक्षी को देखेगा। बेचारा बच्चा बस 5 साल का था और हमेशा इस बात को सोचता रहेगा कि मीनाक्षी ने उसको क्यों छोड़ा और वापस क्यों नहीं आई। सुबह हुई, मीनाक्षी के माता पिता उसको विश करने उसके रूम में गए तो रूम खाली पाया। उन्होंने मीनाक्षी को कई फोन किए पर उसका फोन बंद था। चिंता तब होने लगी जब मीनाक्षी की कार एक सुनसान जगह में मिली। कोई झगड़े के निशान नहीं थे और कोई सबूत नहीं था कि वो कहां गई होगी। परिस्थिति तब और गंभीर हो गई जब मीनाक्षी के माता पिता ने गूगल मैप्स पर यह देखा कि वो सुनसान सड़क किस ओर जाती थी। उनको पता था कि मीनाक्षी का एक बॉयफ्रेंड है रोहन, वह 1 साल बड़ा था और जिस जगह कार मिली थी वहां कहीं आसपास रहता था। मीनाक्षी के माँ बाप को रोहन पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी को उससे मिलने से मना किया था। रोहन से जब पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि उसने कई हफ्तों से मीनाक्षी को नहीं देखा। पुलिस ने रोहन के बारे में और जांच की और उसकी कार में मीनाक्षी के बाल मिले, जो कुछ प्रूफ नहीं था। लेकिन रोहन इतना डर गया और उसने एडमिट किया कि 1 हफ्ते पहले ही वो मीनाक्षी को लेट नाइट ड्राइव पर ले गया था। पुलिस को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और आखिर में रोहन को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन मीनाक्षी के माँ बाप को यकीन था कि रोहन ने ही मीनाक्षी को गायब किया है। मीनाक्षी के पिता पृथ्वी से सोदिया अक्सर रोहन के हॉस्टल के बाहर बैठकर रोहन की जासूसी करते थे। बात यहां तक पहुंच गई कि रोहन के परिवार ने पृथ्वी के खिलाफ चार्जेस प्रेस करने का सोचा, लेकिन पृथ्वी की दोस्ती पुलिस कमिश्नर से थी, जिन्होंने रोहन के परिवार को यह विश्वास दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और पृथ्वी को एक बहुत ही सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन कानून के लोगों से दोस्ती सिर्फ एक हद तक ही मदद कर सकती थी और केस जल्दी ही ठंडा पड़ गया। दिन, हफ्ते और महीने बिना किसी अपडेट के बीत गए। पब्लिक आगे बढ़ गई, सब इस केस के बारे में भूल गए। मीनाक्षी के घर वाले इस अंधेरे बादल के साथ जीने लगे। हर दिन बस यही सोच उनको अंदर ही अंदर खाती रही कि उनकी प्यारी बच्ची के साथ क्या हुआ। इस उम्मीद में जीते रहे कि शायद कहीं वो जिंदा होगी। वो जिंदा थी क्योंकि मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज 12 साल बाद मैं अपने घर जा रही हूं। उस रात मैं अपने घर से भागी थी क्योंकि मैं अपनी एक नई जिंदगी बनाना चाहती थी। ऐसे ही कुछ कहा मैंने सिसोदिया परिवार से। असलियत में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि असली मीनाक्षी के साथ उस रात क्या हुआ। मेरा असली नाम पूजा है और मैं मीनाक्षी की सिर्फ एक हमशक्ल हूं। एक दिन एक नोटिस बोर्ड पर मैंने मिसिंग पोस्टर पर उसकी तस्वीर देखी, मीनाक्षी सिसोदिया की तस्वीर। वहां 6 लड़कियों की तस्वीरें थीं, लेकिन मीनाक्षी का चेहरा देखकर मैं हैरान रह गई। उसके लंबे काले बाल, उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें, सब बिल्कुल मेरी तरह था।
मैं अपनी पुरानी स्कूल की कोई भी तस्वीर वहां चिपका देती तो किसी को फर्क नहीं पता चलता। मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपना फोन निकाला और मीनाक्षी के बारे में पढ़ना शुरू किया। पता चला कि वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी और हर फोटो में वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई जब मैंने उसकी इयररिंग्स, उसकी माँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहना हुआ हार और उसके बाप के हाथ की घड़ी देखी। जैसे जैसे मैंने और पढ़ा, मुझे समझ आया कि सिसोदिया परिवार काफी अमीर है। तब मैंने तय किया कि मीनाक्षी की जगह अब मैं उस रईसियत का फायदा उठाऊंगी। मैं जानती हूं कि मैं बहुत बुरी हूं। मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी गर्व नहीं। मैं मजबूर थी, घर से भागी हुई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सिसोदिया परिवार अब भी वही पुराने घर में रह रहा था। मैंने अपने बचे हुए पैसों से एक बस टिकट ली और उनके घर की तरफ चल पड़ी। प्लान था कि एक रात गुजारूं, थोड़ा सामान बटोरूं और लेकर भाग जाऊं। सिसोदिया कुटीर पहुंच के जब मैंने घंटी बजाई तो मैं एकदम से घबरा गई, ये सोच के कि क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? क्या मेरे बाल मीनाक्षी की तरह लग रहे हैं? क्या मीनाक्षी के चेहरे पर कोई निशान था जो मैंने मिस कर दिया? मैं पसीने से तरबतर हो गई। दरवाजा खुला और सामने मीनाक्षी की मां रीमा सिसोदिया खड़ी थी। हे भगवान, मीनाक्षी, क्या ये तुम हो मीनाक्षी? पहले तो वो मुझे देखती रही और धीरे धीरे उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उनकी रूह उनके जिस्म से निकल गई हो। फिर वो मेरे ऊपर टूट पड़ी, इतने जोर से गले लगाया कि मुझे घुटन होने लगी। उनके हाथ मेरे बैकपैक के चारों तरफ लिपटने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहां अजीब सी खड़ी थी, उनके पूरे वजन को संभालती हुई। रीमा, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्या हुआ? पृथ्वी सिसोदिया भी आ गए थे दरवाजे पर। मैं उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराई और कहा, मैं घर आ गई पापा। और उस पल में सब कुछ ठहर सा गया। क्या पृथ्वी ये मान लेगा कि उनकी बेटी वापस आ गई है? क्या कुछ और भी रहस्य छुपे हैं सिसोदिया कुटीर में? हर कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन हर शुरुआत वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। क्या पता अगर सच्चाई इतनी गहराई में छुपी हो जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। एक सच्चाई जो अंधेरों में उलझी है, उन चेहरों के पीछे छुपी है जिन पर हम भरोसा करते हैं और जिनसे हम डरते हैं। दूसरे भाग में हम सुनेंगे झूठ, धोखा और मौत का खेल। क्या होता है जब बीता हुआ कल छुपे रहने से इनकार कर देता है? और सबसे बड़ी बात, जब वो फिर से सामने आता है तो कौन जिंदा बचता है? हमारे साथ बने रहिए। सच्चाई बेचैन है बाहर निकलने के लिए, और ये आपके सोचने से भी ज्यादा दिलचस्प है। दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं Part 2 में। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो 6 Sigma Films चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। हम नियमित रूप से आपके लिए नई कहानियां लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। खुश रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।